देखिए, जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे, और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो चार चार पांच पांच बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या जरूरत, हर ज़िले में, गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती फिर हुआ। तो जनता ने हम लोगों को वोट दिया। जैसे अगर आप 2017 के गठबंधन कांग्रेस से, तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 29% वोट मिला। इधर जो क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन हुआ उसमें 125 सीटें मिली और 36% वोट मिला। और जो हमारा इलाका है, जो हम आप लोगों से कहते थे, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आपने देखा कि गाजीपुर में खाता नहीं खुला, सातों जीत गए, आजमगढ़ की 10 जीत गए, अम्बेडकर नगर की 5 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में 4 जीत गए। तो उधर आप चाहे बस्ती देख लें, संत कबीर नगर देख लें, सिद्धार्थ नगर देख लें, तो हमारा वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जिस इलाके में हमारा प्रभाव रहता है। और जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो, या हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। ईवीएम हैंकिंग का मामला है, अब ये बात, अब टेक्नोलॉजी इतनी चरम पे है। लेकिन रिकाउंटिंग तो जो हुई उसमें तो कोई ना कोई आदेश दे रहा होगा क्या? तो किस भाई, डीएम ना आदेश देगा, आरओ आदेश देगा, डीएम ना देगा आदेश, सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी कीमत पर, वहाँ पे तो सब लोग मौजूद रहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, सब लोग उनके होते हुए, फिर मारपीट क्यों हो रही है? आप जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई, जब एक बार हो गया, एक प्रत्याशी जीत गया तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत, फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया, 6 बार जीता, फिर 7वीं बार हरा कैसे दिया गया? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है? इस चुनाव में सपा का घटक दल एक और है, केशव देव मौर्य, उन्होंने कहा है, उन्होंने बीएसपी पे भी आरोप लगाया है कि बीएसपी का वोट, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तो रिजल्ट है, बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा किया है, तो खुलेआम एक सीट जहां, वो तो ऐसा क्या नहीं निकल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा था तो वो बीजेपी को, वो बीएसपी थी। एक सीट बता दीजिए जहां टक्कर दे रही हो, एक सीट कहीं बता दीजिए। मतलब कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने जो लोग वहां पे लगाए जो प्रत्याशी थे वो सिर्फ समाजवादी की काट और आपके गठबंधन की काट की थे। 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में ही नहीं थी, 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2 साल पहले जब उनके भाई आनंद प्रकाश को सीबीआई ने पकड़ा, जब वहाँ दबिश दी, उसी समय बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सिलेंडर बोर्ड दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। उसका रिजल्ट आपको मिला कि जो 4 बार सत्ता में पार्टी हो और एक सीट जीते, कहीं लड़ाई में नहीं थी। किस तरह से मदद करी है जो कह रहे हैं? अब जैसे कि उनके एक सीट की बात कर ली जाए, अब जैसे बलिया, उनका पोलिंग वोट 25,000 है और 25,000 में उनकी पार्टी वोट पा रही है 10,000, क्या क्या साबित हो? कहाँ गया 15,000 वोट? और आ जाइए रसड़ा, वहीं बलिया की बात करें, बीजेपी से कह करके बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट ले गए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बसपा को जितवाया, जो सीट जीती है सिंगल, पता कर लीजिएगा। हमको हराने के लिए दिल्ली से अमित शाह जी के यहाँ से तय होता है कि राज्यभर जो बसपा से लड़ रहा है उसको मुसलमान वोट नहीं देगा, दिल्ली से तय होता है। फिर वहाँ ये हुआ कि मुसलमान बसपा से लड़ा दिया जाए और बीजेपी से राजभर लड़ा दिया जाए, तो राजभर बीजेपी को वोट कर सकता है बिरादरी के नाम पर, और मुसलमान के नाम पर बसपा के साथ मुसलमान जा सकता है।
ये चीज़ें दोनों फैक्टर हमारे गाजीपुर में देखने की मेजोरिटी को काटने के लिए, हाँ, चाहे अगर कहीं पे दलित रहा हो तो वहाँ दलित के हाँ, खड़ा कर दिया, और आप कह रहे हो कहीं मुस्लिम रहा तो मुस्लिम खड़ा कर दिया। 122 सीटों पर इस तरह का इनका मूवमेंट रहा है, जो हम अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश का अब नहीं, अभी आंकड़ा नहीं, लेकिन उधर के इलाकों में 122 सीटों पर इन्होंने, हम अगर यादव लड़ा रहे हैं तो वो यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान दे दिए, कि ताकि वो उसका वोट समाजवादी पार्टी का वोट कैसे कटे, वोट काटने की राजनीति, हाँ, वोट काटने की राजनीति।